उस्मान एनकाउंटर पर बोले एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार, उमेश हत्याकांड में अब तक दो आरोपी ढेर हैं, सभी आरोपियों को जल्द पकड़ लिया जाएगा। जवाबी फायरिंग में उस्मान मारा गया, मुठभेड़ में एक सिपाही घायल है, किसी अपराधी को बख्शा नहीं जाएगा। उमेश की हत्या के दौरान फायरिंग करता दिखा था उस्मान और उस्मान को आज ढेर किया गया है। प्रयागराज पुलिस को एक उल्लेखनीय सफलता मिली जब इस शूटआउट में शामिल उस्मान, जो कि कौड़ियारा थाने का प्रयागराज का रहने वाला था, वह उसी थाना क्षेत्र में एक साहसिक मुठभेड़ में घायल हुआ। घायल उस्मान को तत्काल अस्पताल शिफ्ट किया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हुई। उपरोक्त उस्मान पे 50,000 का इनाम था। दिनांक 24 तारीख को, 24 फरवरी को इससे जुड़ा एक व्यक्ति अरबाज, जो कि उस दिन क्रेटा गाड़ी को चला रहा था, घटना के दिन उसकी एक पुलिस मुठभेड़ में मृत्यु हुई थी, तथा इसका एक साजिशकर्ता सदाकर 27 फरवरी को जेल भेजा गया था। सबको बताया जा चुका था कि इसका कोई भी व्यक्ति जो इस हत्याकांड में शामिल है बचने नहीं पाएगा और सभी लोग कानून के दायरे में लाए जाएंगे। साथ ही साथ जो लोग ऐसे व्यक्तियों को छुपाते हैं या शरण देंगे, वो भी इनको, अभियुक्तों को छुपाने और उस हत्याकांड में मदद करने के भागीदार होंगे। फायरिंग करके तथा बम फेंक के की थी, उस दौरान उनकी सुरक्षा में लगे दो पुलिस के जवान भी घायल हुए थे। बाद में हमारे दोनों जवान भी शहीद हुए। शहीद जवानों के परिवारजनों को शासन के द्वारा जो अनुमन्य सहायता राशि थी वो मुहैया करा दी गई है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।